Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine and well. I am your mathematics instructor Furqan Ahmed from VTuition's learning platform, which is Pakistan's first free of cost learning platform. Dear students, aapko maloom hai ki hum chapter number 3, which is vectors, first year mathematics kar rahe hain, aur uska jo hai aaj hum question number 3 and 4 जो है वो करेंगे. उसमें से जो मुश्किल क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करवाऊंगा. रिमेनिंग क्वेश्चंस आप नोट्स में देख सकते हैं, वो सॉल्व करके मैंने आपको नोट्स की सूरत में दिए हैं वेबसाइट पे जाकर हमारी. सेकेंडली आप प्रैक्टिस के लिए क्विज भी देख सकते हैं हमारे, वो मैंने क्विज जो है वेबसाइट पे अपलोड करवा दिए, वहां से आप डाउनलोड करके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं. उसके अलावा कुछ पास्ट ईयर जो पेपर्स हैं वो भी मैंने सॉल्व किए हैं. जब पास्ट ईयर लेक्चर होगा आप उसमें देख सकते हैं, पास्ट ईयर पेपर सॉल्यूशन के नाम से होगा, आप उसको देख के उसमें से भी आइडिया लगा सकते हैं कि ये एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है वेक्टर्स. राइट नाउ वी विल मूव टू अवर लेक्चर. मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ. ऑलराइट स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 3 and 4. इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास. इसका पार्ट 2 जो है वो हम कर रहे हैं. बुक के अकॉर्डिंगली मैंने जो है वो इसमें मार्किंग की हुई है. और स्टूडेंट्स आप बुक को ज्यादा से ज्यादा यूज करें, बुक को भी साथ में रखें, उससे भी आपको काफी हद तक आइडिया होगा. इसीलिए मैं मार्किंग बुक के अकॉर्डिंगली करता हूँ कि आपको आइडिया हो कि बुक का कौन सा क्वेश्चन है. फिर जो रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे वो आप नोट से देख लेंगे, उसमें तमाम एक्सरसाइज सॉल्व है. इसमें क्वेश्चन 3 का जो पार्ट 2 है इसमें 3b वेक्टर, ये वेक्टर का साइन है अभी तक तो आपको मालूम हो चुका होगा, प्लस 2c वेक्टर, इसको हमने सॉल्व करवाना है. मींस के 3 को मल्टीप्लाई b वेक्टर से करवाना है प्लस 2c वेक्टर से. अब b की वैल्यू भी हमें गिवन होगी और c की भी गिवन होगी, और उसमें ये क्या करना है हमने, मल्टीप्लाई करवाना है. आप बुक को भी देखिएगा, उसमें यही क्वेश्चन होगा. राइट नाउ इसको हम सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन है हमारे पास दिस वन, 3b वेक्टर प्लस 2c वेक्टर. जैसे मैंने आपको कहा कि इसको मैं आपस में जो है वो मल्टीप्लाई करवाऊंगा 3 को b से. ये दिस वन जो b के ऊपर है ये वेक्टर का साइन है. राइट स्टूडेंट्स, अब 3 को मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ b से, तो b की वैल्यू जो है मेरे पास है 2i - j, और j के साथ कुछ नहीं है. इट्स मींस कि इसकी जो वैल्यू होगी j के साथ हम जब पिक करेंगे तो वो 1 होगा, और देन प्लस 2k, प्लस 2k, दिस वन इज 2k एंड दिस वन इज j. अब दरमियान में प्लस का साइन है, प्लस के साइन के बाद 2 एज इट इज लिखूंगा. अब c जो है वो मैं लिख दूंगा 3 iota, आयोटा से आप बाखूबी वाकिफ होंगे, माइनस j प्लस 5k, माइनस जे प्लस 5k. अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, बहुत सिंपल है. 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 होगा, तो 3 2s are 6 iota, माइनस 3j प्लस 3 2s are 5, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2s are 6 होगा. मींस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो 6 होगा, तो 6k हो जाएगा. इसी तरीके से जब हम इस साइड पे आएंगे प्लस के बाद तो 3 2s are 6 iota, इसी तरीके से सो ऑन. माइनस जे है, प्लस 5k है, तो उसके बाद जो है हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है नेक्स्ट स्टेप. अच्छा, मैंने आपको कहा था कि इक्वल लाजमी आप डालें हर स्टेप से पहले. ये मैथमेटिक्स का रूल है, ये मैं हर लेक्चर में आपको बताता रहता हूँ. इससे मार्क्स डिटेक्ट हो सकते हैं. अब यहाँ पे जो है 6i माइनस का 3j, और यहाँ पे प्लस का 3 2s are 6k आएगा. सिंपल मल्टीप्लीकेशन हुई है, नथिंग एल्स. उसके अलावा ऐसा कोई स्टेप नहीं हुआ. अब इसमें देखें 3 2s are 6 है, यहाँ पे प्लस एज इट इज 3 2s are 6 हो गया स्टूडेंट्स आयोटा, माइनस का 2j, और यहाँ पे प्लस का 5 2s are 10k. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से मैंने अभी इसको लिख दिया. अब इसको मैं ऐड करूंगा. सिंपल ऐड कैसे होगा कि ब्रैकेट जो है वो ओपन हो जाएगी और जो आयोटा वाली टर्म्स हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगी. लाइक अगर मैं 6 iota इस साइड पे है और दूसरी साइड पे जो ब्रैकेट है वहां पर भी आपके पास 6 iota है, तो दोनों ऐड होंगे तो 6 और 6 12 होता है डेफिनेटली. तो यहाँ पे
आयोटा आ जाएगा आपके पास माइनस 5 का जे आ जाएगा, देन प्लस का 16 ये आपके पास हो जाएगा। इसी तरीके से देखें, 6K था वहां पे 10K था, जब मैंने ब्रैकेट ओपन की है तो 16K जो है वो मेरे पास हो गया है। तो कुछ इस तरीके से जो है वो क्वेश्चंस सॉल्व होंगे स्टूडेंट्स एग्जाम्स में अगर आते हैं तो। आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, एज इट इज आपने कर देनी है। बी की वैल्यू कुछ भी हो, लाइक मैंने अभी क्वेश्चन से पिक किया तो 2i - j + 2k थी, तो अब बी की जगह वो कुछ भी आपको दे सकता है। जहाँ पे बी वेक्टर लिखा हुआ है यहाँ पे वो कुछ भी आपको दे सकता है, और जहाँ पे सी लिखा हुआ है वहां पर भी चेंज करके आपको कुछ भी दे सकता है। तो आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, यू शुड बी कॉन्फिडेंट। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपने इजिली कर लेना है, और आपने कॉन्फिडेंट रहना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है और ये चैप्टर 3 से आता है क्वेश्चन, चैप्टर 3 से आ गया है वेक्टर से और आपने पहचान लिया, तो आपने इजिली कर लेना, बिकॉज कॉन्सेप्ट से आउट क्वेश्चन नहीं आ सकता, कॉन्सेप्ट यही होगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज 4 पार्ट 2, और दिस वन इज यू वेक्टर और प्लस वी वेक्टर, और मोड है दोनों साइड डिटरमिनेंट्स लाइक हैं। जैसे चैप्टर नंबर 3 के अंदर ये चीजें मैंने बहुत अच्छे से समझाई थी आपको मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स के अंदर, और फिर यू वेक्टर है प्लस वी वेक्टर है। और राइट स्टूडेंट्स, तो इनकी एक स्पेसिफिक कोई वैल्यू होगी, लाइक अब 4 2 है, आप बुक में भी देख सकते हैं, ये बुक का क्वेश्चन है। और इसमें अब मैं वैल्यू अगर लेट सपोज आपको बता देता हूँ लिख के, मैंने यहाँ पे वैल्यू पहले से इसलिए नहीं दी ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और उस वैल्यू को देख के बाजू का स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि लेक्चर चल रहा है तो ये इम्पोर्टेंट होगा, सर बत करा रहे हैं अगर क्लास में तो ये इम्पोर्टेंट है, तो स्टूडेंट्स जस्ट उसको फोकस कर रहे होते हैं। अब आपने क्वेश्चन देख लिया कि इस तरह से क्वेश्चन आता है, अब आप सोच रहे होंगे कि वैल्यू क्या होगी हमारे पास। अब देखिए, मैं अभी तो बुक की ही वैल्यू पुट अप करूंगा, लेकिन एग्जाम में वो कोई भी वैल्यू आपको जो है वो दे सकता है। तो अब मैं यहाँ पे यू की वैल्यू मुझे चाहिए, और किसकी वैल्यू चाहिए मुझे, वी की वैल्यू चाहिए। तो इसमें मैं लिख देता हूँ, यू जो है मेरे पास i - 3j + 2k, i - 3k + 2k, एक ये है हमारे पास, ये वैल्यू है यू की। और दूसरा मुझे क्या चाहिए, वी चाहिए। इस क्वेश्चन में आप देखें यू है और दूसरा क्या चाहिए मुझे, वी चाहिए। तो वी की वैल्यू आई एंड जे में रख देता हूँ यहाँ पे जो कि क्वेश्चन में है, राइट स्टूडेंट्स। तो ये वैल्यू है मेरे पास आई जे वी, वी की वैल्यू है, और यू की जो वैल्यू मेरे पास है वो है i - 3j + 2k, ऑलराइट स्टूडेंट्स। तो इसको लेते हुए जो है वो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, विच वन इज यू वेक्टर प्लस वी वेक्टर। तो अब मैं इसको आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। इसमें डब्ल्यू भी यूज हो सकता है, कुछ भी यहाँ पे टर्म आ सकती है, मैंने दो ली है, यहाँ पे डब्ल्यू भी हो सकता है, तीन टर्म्स के साथ भी आपको कह सकता है कि इसको ऐड करें। राइट नाउ जस्ट टू टर्म्स है, तो टू टर्म्स के साथ मैं इसको आपको सॉल्व करवा देता हूँ। तो पहले वैल्यू में रखूंगा i - 3j + 2k, और दरमियान में प्लस का साइन है, देखें प्लस का साइन मैंने ऐसे लिखा, और आयोटा प्लस जे जो है मैंने ऐसे लिख दिया। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब सिंपली जैसे मैंने पहले जो क्वेश्चन आपको करवाया, देखें इसको गो थ्रू करें, मैंने बैक साइड पे की ये स्लाइड, ये जस्ट लाइक वैसे ही इसमें एक एडिशन का साइन है, इसमें जो है वो क्या हो रहा है, एड हो रहा है सिंपली। ऑलराइट, लग ऐसे रहा है कि ये ऐड हो रहा है, बट ये क्वेश्चन कैसे होगा, देखिए आप इसमें डिटरमिनेंट है, इसको फाइंड आउट करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। इसमें यहाँ पे देखेंगे अंडर रूट इस साइड पे, और यहाँ पे जो है 1² प्लस इनटू माइनस का 3² प्लस 2 का स्क्वेयर, यहाँ पे आएगा 2 का स्क्वेयर प्लस सेकेंड जो वैल्यू है जो कि आयोटा प्लस जे है, तो उसकी जो वैल्यू 1 और 1 आएगी, दोनों तरफ 1 और 1 का स्क्वेयर आएगा। तो यहाँ पे मैं 1 का स्क्वेयर लिख दूंगा आपके पास, प्लस 1 का स्क्वेयर यहाँ पे आ जाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब फाइनली इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कुछ इस तरीके से होगा। ये वाला जो स्टेप है ये मैंने आपको समझाने के लिए किया, ये वाला जो स्टेप है इसको भले आप स्किप भी कर दें, इस वाले स्टेप को इसको स्किप भी कर दें तो कोई मसला नहीं है, ये समझाने के लिए किया था। उस वक्त मैंने स्लाइड भी पीछे कर दी थी जिसपे मैंने एरो डाला है,
राइट अब ये अंडर रूट वाला जो स्टेप है ये आपने लाजमी करना है। अंडर रूट के बाद जो नेक्स्ट वन स्टेप हम करेंगे तो देखें, हम डायरेक्टली इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। अंडर रूट यहाँ पे 14 आ जाएगा जब हम प्लस माइनस इसको स्क्वेयर लेंगे, बिकॉज यहाँ तक तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा अगर आप शुरू से मेरे लेक्चर्स को ले रहे हैं। फिर अंडर रूट यहाँ से करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अब यही मेरे पास जो है फाइनली आंसर है, तो कुछ इस तरीके से ये होगा। ऑलराइट, यू प्लस वी जो है वो फाइंड आउट करना है हमने। होप सो स्टूडेंट्स कि आपको ये लेक्चर या ये कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड कुछ थ्योरेटिकल चीजें भी मैंने अलग से थ्योरी के लेक्चर बना के उसमें अपलोड करवाई, आप वहां से जाके भी देख सकते हैं। सेकेंडली ये क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, और एमसीक्यूज के अंदर भी बाज़ औक़ात ये आ जाते हैं, तो बिकॉज छोटा है क्वेश्चन, साइज देखें छोटा है, एक से दो स्टेप में कंप्लीट हो गया, तो ये एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं, तो आपने इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है एग्जाम में। इसको आपने ऐसे छोड़ नहीं देना कि ये छोटे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स इन्हीं को स्किप करते हैं और यही एग्जाम्स में आते हैं। और स्टूडेंट्स बोर्ड का क्राइटेरिया भी काफी टफ है एग्जाम का राइट नाउ, जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है, तो आपने प्रिपरेशन और प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, और क्विजेस को मेरे ज्यादा से ज्यादा देखना, ताकि आप एग्जाम्स में अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है वो गेट कर सकें। होप सो कि लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अभी तक एट द रेट व्यूट्यूशन पे जाके, यूट्यूब पे नहीं किया तो, और कोई क्यूरी है इसमें तो व्यूट्यूशन कम्युनिटी पे जाके डियर स्टूडेंट्स हमसे आप बात कर सकते हैं, क्यूरी पूछ सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन और टिकटॉक के ऊपर भी आप प्लीज हमें फॉलो करें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।